खबर आ रही है भोपाल से। भोपाल के अनलोक में कपड़े की दुकान को खोलने की छूट न मिलने के कारण कपड़ा कारोबारियों और रेडीमेड व्यापारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य शासन से मांग की है कि उन्हें दुकानें खोलने की अनुमति दें, क्योंकि 50 दिन से अधिक समय से दुकानें बंद होने से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। व्यापारी कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ओल्ड भोपाल रेडीमेड होजियर व्यापारी संघ ने शासन से आग्रह किया है कि दुकान खोलने की अनुमति दें या फिर प्रत्येक व्यापारी को 5 लाख रुपए तत्काल मुआवजा दिया जाए। व्यापारी संघ के अध्यक्ष अशोक माटा ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बाजार बंद था। हमने भी प्रशासन को पूरा सहयोग किया, लेकिन अब महामारी काफी हद तक खत्म हो गई है। कोरोना से बड़ा संकट व्यापारियों के सामने है। व्यापारी आर्थिक संकट से परेशान हो गए हैं। अब हमें गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। माटा ने कहा है कि विगत 1 जून से प्रशासन अधिकांश उद्योग एवं कारोबार को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन कपड़ा और रेडीमेड होजियरी बाजार को दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। यह चिंता का विषय है।